तेजस्वी यादव के बंगले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमाम बयानबाजियों और घटनाक्रम के बाद आज 10 दिसंबर को पटना हाईकोर्ट में तेजस्वी यादव के बंगला प्रकरण पर सुनवाई है। चीफ जस्टिस एपी शाही की खंडपीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि भवन निर्माण विभाग ने तेजस्वी यादव को यह बंगला खाली करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उच्च स्तरीय खंडपीठ से इस मामले की सुनवाई की मांग की थी। पहले हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज करके बंगला खाली करने का आदेश दिया था, बाद में उन्होंने फिर से अप्लाई किया। 5 दिसंबर को जब पटना जिला प्रशासन की टीम 5 देशरत्न मार्ग यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचती है, तो वहां पर एक नोटिस चस्पा मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है, जबरन बंगला खाली नहीं कराया जा सकता। उसके बाद जो जिला प्रशासन की टीम है वो असमंजस में पड़ जाती है, जो राजद नेता है वो वहां पर प्रदर्शन करने लगते हैं। जोरदार प्रदर्शन के बाद जिला प्रशासन को वापस लौटना पड़ता तब है जब तेजस्वी यादव के वकील उन्हें LPA यानी कि लेटर ऑफ पेटिशनर्स अपील जिला प्रशासन को सौंपते हैं। जिला प्रशासन वापस लौट जाता है, तेजस्वी यादव उस दिन पटना में नहीं होते हैं, बाद में आते हैं, उसके बाद सरकार पर निशाना साधते हैं। लेकिन आज 10 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि तेजस्वी 5 देशरत्न मार्ग के बंगले में आगे रहेंगे या फिर उसे खाली करके जो नेता प्रतिपक्ष के नाम बंगला है यानी कि एक पोलो रोड का बंगला जिसमें अभी बिहार के डिप्टी CM सुशील कुमार मोदी रह रहे हैं उसमें ट्रांसफर होंगे। तेजस्वी यादव को यह बंगला तब मिला था जब वह बिहार के नेता प्रतिपक्ष नहीं बल्कि बिहार के डिप्टी CM थे। यह जो 5 देशरत्न मार्ग का बंगला है वो डिप्टी CM को अधिकृत किया गया है, तेजस्वी यादव को तब मिला, बाद में खाली करने के आदेश दिए। लेकिन बंगले की साज सज्जा में खूब पैसे खर्च हुए और उसके बाद अब तेजस्वी यादव भी इस इच्छा में नहीं है कि उस बंगले को छोड़े और कोर्ट में लगातार मुस्तैदी से खड़े होने की बात कर रहे हैं। अगर हाई कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में नहीं हुआ तो उन्होंने यह भी कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। अब आगे इस फैसले के बाद क्या कुछ निकल कर आता है यह अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। शुक्रिया।